बिहार में रेलवे ने 3 जोड़ी यानी कि 6 नई ट्रेनों की शुरुआत की है और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करेंगे सभी ट्रेनों के लिस्ट के बारे में और इनके डिटेल्स के बारे में। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा सहित अन्य रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है। रेलवे ने इस रूट पर एक साथ 3 जोड़ी यानी कि 6 ट्रेनों की शुरुआत की है। पहली ट्रेन दरभंगा से सरहिंद के लिए चलाई गई। ट्रेन नंबर 05585 के साथ ये ट्रेन दरभंगा से चलाई गई। सुबह ये ट्रेन 5:30 पर दरभंगा से प्रस्थान की, जो कि दोपहर में 2 बजे गोरखपुर पहुंचते हुए यह ट्रेन अगले दिन सुबह में 3:42 पर सरहिंद रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन के अलावे दूसरी ट्रेन बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन से चलाई गई। सहरसा से यह ट्रेन सरहिंद के लिए ट्रेन नंबर 05551 के साथ चलाई गई। यह ट्रेन शाम 7:30 पर प्रस्थान की, जो कि गोरखपुर के रास्ते अगले दिन रात में यह ट्रेन 12:05 पर सरहिंद रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन के अलावे रेलवे एक नई इंटरसिटी ट्रेन की भी शुरुआत की है। यह ट्रेन बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से सिवान के बीच इसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन नंबर 05122 के साथ यह ट्रेन सिवान से और ट्रेन नंबर 05121 के साथ यह ट्रेन समस्तीपुर से शुरू की गई है। इस ट्रेन का टाइम टेबल का डिटेल्स का बात करें तो यह ट्रेन सिवान रेलवे स्टेशन से 4 बजे प्रस्थान करेगी, जो कि छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर रुकते हुए 12:30 पर समस्तीपुर पहुंचेगी। इसके साथ ही दूसरे दिशा में यह ट्रेन समस्तीपुर से सिवान के लिए शाम 4 बजे रवाना होगी, जो कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा रुकते हुए सिवान रेलवे स्टेशन 11:45 पर मध्य रात्रि पहुँचेगी। इन तीनों ट्रेनों के संचालन से रेलवे ने यात्रियों को बड़ा सौगात दिया है। इसके साथ ही आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।